दोस्तों जब कोई चीज नई होती है तो लोगों को काफी डर लगता है उसे अपनाने में। तो जैसे क्रिप्टो करेंसी की बात करें, 2009 में क्रिप्टो करेंसी का एग्जिस्टेंस हम कह सकते हैं कि बड़े तौर पे आया, बट बहुत सारे लोगों ने इसको रिजेक्ट कर दिया, इसकी बातों को मानने से इनकार कर दिया। रीजन क्या था? क्योंकि ये बिल्कुल नया था और लोगों को डर लग रहा था कि कहीं ये फेल ना हो जाए। बट जैसे जैसे समय गुजरा और क्रिप्टो करेंसी ने अपना रंग दिखाया तो लोग अचंभित हो गए। जी हाँ, 2010 के आसपास की यदि बात करें तो इसका प्राइस 10 रुपए था, जो आज 37 लाख रुपीज है। 10 रुपए की चीज हो गई 37 लाख रुपए की। तो आप कैलकुलेट कर सकते हो कि किसी ने उस समय रिस्क लेके सिर्फ 1000 रुपए लगा दिए होते, 2010 कोई बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है, यदि 2010 में किसी ने 1000 रुपए लगा होते तो आज उसके पास कितना होता आप कैलकुलेट कर सकते हो। मैं बताता हूं आपको कि वो 100 करोड़ से ज्यादा होते। सोचो 1000 का यदि 100 करोड़ हो जाता है तो ये कौन सी चीज है जो इतने कम दाम को इतना ज्यादा वैल्यू दे सकती है? तो वो क्रिप्टो करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी आप मानो या ना मानो एक फ्यूचर है और बहुत सारी कंट्रीज इसको एक्सेप्ट कर रही हैं धीरे धीरे करके, और आने वाले दिनों में आप देखोगे कि और भी कंट्रीज इसको एक्सेप्ट करनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो क्रिप्टो करेंसी की सारी डिटेल A to Z कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने के लिए हम एक बैच लेकर आ रहे हैं आपके लिए, जो कि स्पेसिफिकली हमने बनाया है क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। इसके अंदर सारी A to Z बातें हम लोग सीखेंगे, ब्लॉकचेन क्या होता है, क्रिप्टो करेंसी क्या होता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, माइनिंग क्या होती है, हैशिंग एल्गोरिथम्स क्या होते हैं, A to Z कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको हम देंगे क्रिप्टो करेंसी के बारे में, जिससे आप इसके अंदर की बातें समझ सको, ये कैसे आपके जीवन को प्रभावित कर सकती है आप वो चीज समझ सको, इसके अंदर आप ट्रेडिंग कैसे करोगे ये समझ सको, अपने आप को फ्यूचर के लिए रेडी कैसे करोगे ये समझ सको। तो दोस्तों खुद को फ्यूचर के लिए रेडी करने के लिए आप भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे। तो दोस्तों अभी ज्यादा सोचना नहीं है, आप डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल आप ढूंढ सकते हैं, सारी डिटेल हम डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं, वहां से आप डिटेल पिक करो, आप हमें कॉन्टेक्ट करो, कोर्स को परचेज करो, खुद को एनरोल करो इस कोर्स के लिए, और मिलते हैं आपसे इस एक्साइटिंग कोर्स में जो आपके फ्यूचर को बदलने वाला है। तो थैंक यू गाइस, एनरोल नाउ।